भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री सीपी जी जोशी साहब, किरोड़ी लाल जी मीणा साहब आप पधारे हैं, आपका स्वागत सत्कार मैं कराना चाहूंगा। बड़ी माला के साथ में हमारे चारों विधायक, साथ में भूपेंद्र जी सैनी साहब, नीलम जी गुर्जर, टीकम जी गुर्जर, रतन जी तिवारी साहब, पिंकी जी चतुर्वेदी और तीनों महामंत्री आप पधारे और माननीय भजन लाल जी भाई साहब का स्वागत सत्कार करें। बड़ी माला के साथ में उनका स्वागत सत्कार करें। जोरदार तालियों के साथ में मेरे साथ आप नारे लगाएंगे, स्वागत है भाई, स्वागत है भजन लाल जी का, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। एक बार राजस्थान के राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी के लिए भी एक बार जोरदार नारे मेरे साथ में लगाएंगे, स्वागत है भाई, स्वागत है, सीपी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। आपको स्थानीय विधायक माननीय रामविलास जी मीणा साहब और जिलाध्यक्ष जी डॉक्टर प्रभुदेव जी शर्मा साहब, आप माननीय सीएम साहब का माला दुपट्टा और छापा और मुकुट पहना करके उनका स्वागत करेंगे। माननीय जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रभुदेव जी शर्मा साहब और इस स्थानीय विधानसभा के विधायक माननीय रामविलास जी मीणा साहब से मेरा आग्रह कि आप पधारे और माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ में उनका हार्दिक अभिनंदन करें। भजनलाल जी शर्मा जिंदाबाद, श्री भजनलाल जी शर्मा जिंदाबाद, श्री भजनलाल जी शर्मा जिंदाबाद। जोरदार स्वागत सत्कार यहां उनका किया जा रहा है। माननीय जिलाध्यक्ष जी मेरा आग्रह कि माननीय सीपी जोशी जी साहब का भी आप स्वागत सत्कार करें स्वाथा माला दुपट्टा के साथ में। एक बार जोरदार तालियां, श्री सीपी जोशी जिंदाबाद, श्री सीपी जोशी जिंदाबाद, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री भजनलाल जी जिंदाबाद, श्री सीपी जोशी जिंदाबाद। बहुत शानदार सत्कार के बाद में मैं माननीय कांजी जी मीणा साहब के साथ में लालसोट के सभी मंडल अध्यक्ष, लालसोट के जिला पदाधिकारी अनिल जी बैना, रवि जी हाडा, केदार जी मीणा, रामचरण जी पट्टिया, अशोक जी सैनी, हनुमान जी मुगतपुरा, रामजीलाल जी डोई आप पधारे और माननीय मुख्यमंत्री जी को हल भेंट करके उनको हल भेंट करना चाहेंगे। आप सब एक बार पधारे। आपको माननीय डॉक्टर साहब का के स्वागत के लिए मैं रामविलास जी, जिलाध्यक्ष जी भाई भागचंद जी टाकड़ा, भाई विक्रम जी बंसीवाल साहब आपसे आग्रह कि आप पधारे और उनका स्वाफा माला दुपट्टा पहना करके एक बार जोरदार करें। डॉक्टर किरणलाल जी मीणा जिंदाबाद, डॉक्टर किरणलाल जी मीणा जिंदाबाद। निश्चित तौर पर ये उसी शख्सियत का स्वागत होने जा रहा है जिन्होंने आज से 30-35 साल पहले इस ईआरसीपी की मांग उठाई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उस मांग को साकार किया है और अब भागीरथ के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में विराजित हैं। 13 जिलों की बड़ी मांग, प्यासे कंठों को आपने पानी पिलाया है, आपका बहुत बहुत आभार, स्वागत, अभिनंदन। मैं समय का अभाव है इसलिए माननीय स्थानीय विधायक साहब से मेरा आग्रह रहेगा कि आप पंचायत इन सभी अतिथियों का दुपट्टा पहना करके स्वागत करते रहेंगे। मैं स्वागत भाषण माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा उद्बोधन होगा, समय अभाव। माननीय कन्हैयालाल जी चौधरी साहब आपके स्वागत सम्मान के लिए मैं मान भाई साहब भूपेंद्र जी सैनी साहब से आग्रह करूंगा कि आप उनको माला दुपट्टा पहना करके स्वागत करें। माननीय भूपेंद्र जी, लखन सिंह जी,
आप पधारे और माननीय राजेंद्र जी कन्हैयालाल चौधरी जी का स्वागत सत्कार करें। ओके ओके ओके। माननीय सुरेंद्र जी रावत साहब, मुझे जैसा निर्देश मिला है क्योंकि समय का अभाव है और माननीय को आगे भी जनसभाएं करनी है, तो मैं सीधे ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष उनका ओके मुझे फिर निर्देश मिला है कि समय का और भी अभाव है और आगे भी जनसभाएं हैं और वहां भी आप सबकी तरह उनका उद्बोधन सुनने के लिए लोग खड़े हुए हैं। मैं सीधे ही ऐसे भागीरथी को आमंत्रित करने जा रहा हूं जिन्होंने 13 जिलों सहित 21 जिलों को पानी उपलब्ध कराया है और शेखावटी के 4 जिलों को उपलब्ध कराया है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा साहब पधारे हो सर। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलिए पपलाज माता की। अरे भाई ऐसा नहीं है, ये तो अभी लाल जोर से बाहर ही नहीं निकला। बोलिए पपलाज माता की, बोलिए गिरिराज महाराज की। आज के इस कार्यक्रम में हमारी भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई सीपी जोशी जी, हमारी कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कैबिनेट मंत्री माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा साहब, हमारी कैबिनेट में दूसरे हमारे मंत्री भाई कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, हमारी कैबिनेट में हमारे तीसरे मंत्री भाई जवाहरलाल जी बेड़म साहब, क्योंकि आपने कोई भी कह रहा हूं आपने देखा है कि लाल ही लाल है और जब लाल ही लाल मिल जाते हैं तो फिर आप देख लीजिए कि फटाफट निर्णय होते जाते हैं और जनता के काम होते हैं। ये लालों की फौज आपकी बेटी है जिन्होंने आप चुन करके आपने भेजा था, और लालों का ढंग साहब कह रहे हैं लालों का कमाल भी देखते जाइए, लालों का कमाल। माननीय हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री प्रभुदयाल जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश दादी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष और हमारे विधायक भाई जितेंद्र गोटवाल जी, हमारी प्रदेश की मंत्री नीलम गुर्जर जी, पूर्वीय अध्यक्ष के बोर्ड के अध्यक्ष भाई भूपेंद्र सैनी जी और हमारे स्थानीय विधायक जो कितने एक्टिव है, कितने चलते रहते हैं, लाल चोट की चिंता जिनको रहती है, हर तीसरे दिन मेरे पास, चौथे दिन मेरे पास आते हैं, ये काम भी है, ये काम भी है। मैंने कहा रामविलास जी चिंता मत करिए, आपके जितने काम है वो सारे के सारे काम होंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे रामविलास जी भाई, हमारे विधायक विक्रम बंसीपाल जी, महुआ के हमारे विधायक राजेंद्र कुमार मीणा जी, हमारे बांदीकुई के विधायक भागचंदी टाकड़ा जी, हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भाई टीकम चंद जी गुर्जर साहब, पिंकी चतुर्वेदी जी, रवि कुमार पालीवाल जी, रवि कुमार जी हाड़ा
और हमारी बहन सुमन जी खुर्रा जी और इस मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और मेरे सामने खड़े सभी, क्योंकि मैं इस कार्यक्रम में 5 घंटे लेट हूं, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में खड़े मेरे पूजारी बुजुर्गों, मेरे जिगर के टुकड़े मेरे युवा साथियों, माता बहनों, इतने लेट इस कार्यक्रम में आप सभी लोग इतने इंतजार के बाद इतने लेट भी आप यहां जमे हुए हैं, निश्चित रूप से मैं आप सभी के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं आपके बीच में ज्यादा नहीं, क्योंकि आगे दो कार्यक्रम और हैं, मैं 2-3 बात आपके बीच में करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोग गांव से जुड़े, जमीन से जुड़े, किसानियत से जुड़े भी सभी खड़े हुए हैं, इसलिए मुझे आपसे बात करने में भी आनंद आता है, क्योंकि मैं आपके दर्द को जानता हूं, आपके दर्द को मैं पहचानता हूं, आपके मन की पीड़ा को भी मैं जानता हूं मित्रों। और मैं इसीलिए कहा था कि ये लालों की फौज है, आपने जिस विश्वास के साथ, जिस भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी को आपने राजस्थान के अंदर बहुमत दिया है, सबसे पहले तो मैं आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आपने एक साथ मन बना करके एक बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताया है और आपके द्वारा, आपके वोट से ही ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, क्यों काम से निकले हुए सभी हम व्यक्ति हैं, हम हमारे उस किसान भाई की पीड़ा को जानते हैं, समझते हैं कि अगर खेत में पानी नहीं होता है तो क्या स्थिति होती है। हमारी माता बहने पीने के लिए जब पानी के लिए निकलती हैं, 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर जाती है और मां से सिर पर पानी रख करके लाती है। हमारा ये पूर्वी राजस्थान कभी पानी से परेशान था, हमारे यहां बनास, गंभीर सारी नदियां हमारे यहां आती थी, पानी का बड़ा आराम था, लेकिन अब हम पानी के लिए परेशान हैं। निश्चित रूप से हमारे सभी लोगों ने पानी की मांग उठाई और हमने कहा था 2004 में माननीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदियों से नदियों जोड़ने का काम प्रारंभ किया था, उस समय हमारे पूर्वी राजस्थान की स्थिति बनी थी, पार्वती काली सिंध नदी और जम्मल नदी को जोड़ करके ये योजना बनाई गई थी, लेकिन योजना बन के तैयार हुई और हमारी सरकार चली गई। 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने एक कदम भी इसमें आगे नहीं बढ़ाया। 2013 में हमारी सरकार आई थी, 2013 में हमारी सरकार आई, माननीय वसुंधरा जी की सरकार ने इस ईआरसीपी की योजना को मूर्त रूप देने का काम किया। योजना बनी थी, लेकिन योजना बनते बनते 2018 में हमारी सरकार चली गई और उसके कारण ये कांग्रेस के लोग 5 साल तक इस योजना को अटकाते रहे, भटकाते रहे, क्योंकि उनकी मंशा नहीं थी। हमेशा धोखा देकर के वोट मांगने की मंशा रहती है, झूठ बोल कर, झूठ और लूट की सरकार कांग्रेस की होती है, हमेशा झूठ बोलते हैं, तुष्टिकरण के आधार पर चलने वाले लोग हैं, हमेशा कहते हैं कि एक बार नारा दिया हम सड़क बनवाएंगे तो सड़क का जेईएनओं को, इंजीनियरों को बुलवा के नाप करा देते हैं, 5 साल गए, दूसरी बार आते हैं तो उस पर चूना डलवा देते थे, तीसरी बार आते थे तो मिट्टी डलवा देते थे,
इसी में उनके 15, 20, 25, 40 साल निकल गए मित्रों। इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा राज किया तो कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने हमेशा गरीबी का नाम दिया, गरीबी हटाने का नाम दिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबी हटाओ प्रारंभ हुई थी। आपने देखा होगा मैंने कितने काम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, चाहे शौचालय से लेकर के हो, उज्ज्वला गैस से हो, जनधन के खाते खुलवाने हो, पेंशन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ऐसी बहुत सारी योजना उन्होंने लागू की। देश का विकास आप देख रहे हो, आपके यहां से दिल्ली मुंबई आपने देखा है किस तरह का हाईवे बना है। एक एक हाईवे आपने देखे हो किस तरह से रेलवे के क्षेत्र में कितना बड़ा काम हो रहा है। जिस क्षेत्र में आप बात करेंगे उसमें काम ही काम हो रहा है मित्रों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सभी लोगों को हम धन्यवाद देने के लिए इसलिए भी आए हैं कि आपने मोदी जी को चुना, भारतीय जनता पार्टी को चुना। लगातार दो बार से आप केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की 25 सीट लगातार दे रहे हैं। 25 सीट 2014 में भी, 25 सीट 2019 में भी। मुझे भरोसा है अबकी बार भी आप 25 देने वाले हैं। लेकिन अबकी बार मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि 25 सीट ऐसे नहीं, 25 सीट यह होना चाहिए कि कोई भी बूथ ऐसा नहीं हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीत करके नहीं जाए। कोई भी लोकसभा ऐसा नहीं हो जो 5 लाख से कम जीत करके हम जाएं। युवा भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके साथ कुठाराघात हुआ था, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना जी ने भी आपकी बात उठाई थी, 19 में से 17 पेपर लीक करने का काम इस कांग्रेस ने किया था। हमने युवाओं से वायदा किया है कि हम पेपर लीक वालों ने जो आपके साथ कुठाराघात किया है, आपकी आत्मा को जो दुख पहुंचाया है उसको हम छोड़ेंगे नहीं, किसी कीमत पर उनको छोड़ने वाले नहीं है, ये हम आपको विश्वास दिला। मित्रों, हम जानते हैं युवा की दर्पण क्या होती है। युवा जब पढ़ने जाता है, बाजार में जाता है, कमरा लेता है, कोचिंग करता है, पिताजी को विश्वास दिलाता है कि आप मेरे को पढ़ाई कराइए, मैं नंबर ला के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। युवा दिन रात मेहनत करता है, पिताजी भी भरोसा करते हैं, लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो उस बच्चे के सपने भी टूट जाते हैं और पिताजी की जो आस थी वो आस भी टूट जाती है, उस पर कर्ज हो जाता है और वो साहूकार के पास जाता है तो उसको दोबारा पैसा भी नहीं मिलने की स्थिति हो जाती है। क्योंकि मित्रों, आपने देखा होगा, हमने देखा है, आप सबने देखा है, सबसे बड़ी अगर कोई चिंता होती है तो वो अगर कहीं से पैसा लाया या पैसा नहीं चुकता है वो खून की तरह हमारे पिताजी को, हमारे चाचा जी को, हमारे भाई को खाता है। ये दर्द होता है, अंदर का दर्द जब निकल करके आता है। मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों ने जिन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है किसी कीमत पर हम बख्शने वाले उनको नहीं है। और ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने 70,000 जगह युवाओं के लिए अभी निकाली है और हम आप देखना, हमने चालू कर दिया 5,000 एलडीसी की जगह हमने अभी तुरंत भरना, हर महीने 2 महीने में हम उन जगहों को तुरंत भरने वाले हैं और आगे भी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का युग है, आने वाला समय भी आपका है युवा साथियों, आपका है। हम युवाओं को रोजगार देने का भी काम करेंगे, हम स्किल इंडिया के माध्यम से, स्मार्ट इंडिया के माध्यम से भी हम आपको काम करेंगे। हम वो काम भी करने करेंगे जो हमारे पहले लोकल फॉर वोकल था, गांव गांव में हमारे उद्योग धंधे चलते थे, लेकिन इस कांग्रेस की सरकार ने उनको भी बंद करा दिया। बड़े बड़े उद्योगों को अनुदान देने का काम किया और मेरा गांव का भाई, वो प्रजापत, वो मेरा लोहार, वो मेरा सुथार, वो मेरा सुनार, धीरे धीरे अपने काम को भी भूल गया, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े आयोजन किए थे, बड़े बड़े लोगों को जमीन दे करके और उनको अनुदान दे करके काम किया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जानते हैं,
कि गांव का व्यक्ति गांव में, उसको रोजगार उस गांव में मिले, उस घर में मिले। आप देख रहे हो हमसे बाद में जो आजाद हुए थे देश, वो आगे पहुंच गए और हम पीछे रह गए, क्योंकि जो काम कर रहे थे ना उनकी नीति ठीक थी ना उनकी नीयत ठीक थी। आपके पास ऐसा नेतृत्व करने वाले जिनको सिर्फ भारत माँ दिखती है और भारत माँ के 130 करोड़ सपूत दिखते हैं, उनको 130 करोड़ जनता दिखती है, ऐसा नेतृत्व हमारे पास है। आप जब यही कहना चाहते हैं, हमारे मंत्रीगण आपके सामने बैठे हैं, आपके बीच में हमारे जनप्रतिनिधि ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जो भी आपके बीच में वायदा किया है, हम उसकी गारंटी दे रहे हैं कि उस हर वायदे को हम पूरा करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, आइए खुले मन से आइए, 2014 के बाद आप छाती ठोक करके कह दीजिए कि कोई भी किसी तरह का काम भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर गलत हुआ हो, हमने वो काम करके दिखाया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो आज तक किसी ने नहीं किया। ये नेतृत्व पर विश्वास और मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करिए। आइए हम सब मिलकर के 2024 का चुनाव भी जिताएं और इस भारत देश को और इस भारत माँ को विश्व के मुकुट पर विराजमान करें, दुनिया ये कहे कि हाँ भारत भी कोई देश था, भारत ने हमारे आगे बढ़ करके भारत को एक पहले नंबर की शक्ति बनानी है, हमने पूरे दुनिया में भारत को सिरमौर बनाना है। जब तक नहीं बनेगा, जब तक हम जोरदारी से पूरे मन के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम 400 पार नहीं करेंगे। अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार। मैं इतना ही कहते हुए, क्योंकि आगे कार्यक्रम है, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ जोरदार तरीके से बोलेंगे।